विषय में नागरिक शास्त्र वाला जो पार्ट चल रहा है उसमें दूसरा जो चैप्टर है संघवाद, संघवाद इसी को आज के वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक। और जो पहला चैप्टर था आपका सत्ता की साझेदारी वो तो खत्म हो गया, इसमें आपका नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है। लिख देते हैं नहीं तो वीडियो वाले इतिहास डाल देंगे इसको। तो आपने समझा कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, कोई विवाद ना पनपने पाए जनता में, या कोई ऐसा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए, या किसी के अधिकारों को छीना ना जा सके, यानी समाज में समन्वय स्थापित करने के लिए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता होती है। सभी को उसका अधिकार दिलाने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। इसी बात को इस चैप्टर में भी बताया गया है, संघवाद में भी बताया गया है। संघवाद आपका जो संविधान है, आपके देश का जो संविधान है, इसमें स्पष्ट कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ मतलब संगठन, यानी कि इस पाठ में ऐसी विचारधारा, ऐसे मान्यता को पढ़ा जाएगा जिसमें कुछ छोटी छोटी इकाइयों को मिला के, या यूं कहिए कि लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठरों को मिला के एक मजबूत गट्ठर बनाया जाएगा, कुछ ऐसा ही है संघवाद। इसमें क्या होता है, या तो या एक कई छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं, देश होते हैं, उनको मिला के एक देश बना दिया जाता है, या फिर कई राज्य होते हैं उनको मिला के एक देश बना दिया जाता है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि संघवाद क्या है। संघवाद का मतलब छोटी छोटी इकाइयों को, चाहे वो राज्य हो अथवा देश हो, इनको एक में इकट्ठा कर लेना और उसका शासन एक केंद्रीय व्यवस्था को दे देना। चलो इंडिया का उदाहरण ले लेते हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज़ादी 1947 में मिली, पता है 1947 में आज़ादी मिली। इस टाइम आपका जो देश था कई टुकड़ों में विभक्त था, कई देशी रजवाड़े थे, अंग्रेजी शासित राज्य भी थे। तो इनको, या इन प्रांतों को कहिए, कई प्रांत थे, इनको इकट्ठा कर लिया गया और सबका जो केंद्रीय शासन था वो भारत नाम से कर दिया गया। यानी एक केंद्रीय शक्ति होगी और उसके अंडर में अलग अलग राज्य होंगे, केंद्र अपना प्रशासन करेगा और राज्य अपना प्रशासन करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि विशेषता, संघवाद की विशेषता आपको जानना है। संघवाद को समझ में आ गया हो, संघवाद क्या है कि छोटे छोटे इकाइयों को संगठित करके एक केंद्रीकृत इकाई में बांट देना संघवाद है, या किसी एक केंद्रीय व्यवस्था के द्वारा अन्य छोटे छोटे इकाइयों पर सम्मिलित रूप से शासन करना, दुश्मनी से नहीं, अंग्रेजों की तरह नहीं, उनको एक में कर दिया जाए और शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। मुख्य रूप से शक्तियों का बंटवारा है कि केंद्र के पास शक्ति, राज्यों के पास शक्ति, सब मिलजुल के रहें। अच्छा, ये जान लीजिए ऐसा क्यों होता है, संघवाद की विचारधारा काहे को आती है। आप जानते हैं भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, भौगोलिक विभिन्नताएँ हैं, यहाँ पे अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबके कुछ लोगों के रीति रिवाज अलग हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए कि एक शक्ति के द्वारा सब पे शासन किया जाए, नहीं। तो संघवाद यही कहता है कि एक शक्ति तो रहेगा केंद्र में, केंद्र में एक शक्ति तो रहेगा, एक
पूरा केंद्र में एक शक्ति तो रहेगा, लेकिन जहाँ विभिन्नता है, किसी राज्य में भौगोलिक विभिन्नता, कहीं पर्वत पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं हिंदी बोला जा रहा है, कहीं तमिल बोला जा रहा है, कहीं गुजराती बोला जा रहा है, तो इनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यताएं हैं, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर डाल दी जाती है राज्यों के माध्यम से, कि ये अपनी परंपराओं को, संस्कृतियों को जीवित रखें, अपने मान्यताओं को आगे बढ़ाएं, ये इनकी जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है, अपनी भौगोलिक विभिन्नताओं का इस्तेमाल करें अपने लिए, ये इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इन सब के ऊपर एक केंद्र होता है, यानी केंद्र भी शासन करेगा इनके ऊपर। अब देखते हैं कि संघवाद या संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषता क्या होता है। यहाँ पर जो सरकार बनती है ये एक और दो, या तो दो स्तर की होती है या तो दो से अधिक स्तर की होती है। जैसे अगर दो स्तर की बात कर ली जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एक हो गया केंद्र, दूसरा हो गया राज्य, तो केंद्रीय स्तर पर भी शासन होता है। एक विशेषता और देखिए, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों लोग एक ही व्यक्ति समूह पर शासन करते हैं। जैसे हम आप हैं, हमारा आपका गांव है, हम लोगों के ऊपर यूपी सरकार भी प्रशासन कर रही है और दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी प्रशासन कर रही है, तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये व्यवस्था संघीय जो सरकारें होती हैं, ये एक ही व्यक्ति समूहों पर शासन और प्रशासन करती हैं। विशेषता और है, इनका जो अधिकार होता है, चाहे केंद्र हो या राज्य, इनके अधिकारों का जो वर्णन होता है वो स्पष्ट रूप से संविधान में होता है। जैसे इंडिया के जो संविधान में राज्यों को क्या करना है, केंद्र को क्या करना है, इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। तीन विशेषता हो गई, एक तो दो या अधिक स्तर वाला होगा, दूसरा एक ही व्यक्ति समूह पर शासन करेगा, तीसरा इनके मध्य जो शक्तियां होती हैं, इनकी जो शक्तियां होती हैं उसका स्पष्ट विवरण संविधान में होता है। और विशेषता जानिए कि ये अपनी जो निर्णय या कानून होते हैं, या फिर यूं कहिए संविधान में जो मूल रूप से अधिकार दिए गए हैं, उन्हें ये खुद बदल नहीं सकते, कोई अकेला नहीं बदल सकता। केंद्र यदि बदलना चाहता है तो उसे राज्यों की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि कोई अधिकारों में आप संशोधन चाहते हो तो 2/3 सदस्य जो है, यानी कि अगर 500 सदस्य है आपके केंद्र में लोकसभा में, तो 500 का 2/3 आप निकालिए, यानी करीब 450 सदस्यों की मंजूरी तो हो, लेकिन जितने राज्य हैं देश में उसके आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, तभी कोई बदलाव लाया जा सकता है संविधान में या मूलभूत अधिकारों में, और ऐसा होना आसान नहीं होता। कोई ना कोई राज्य, कोई ना कोई भाग खिलाफ रहता ही है। अगला देखते हैं, इसमें एक व्यवस्था है जो आपकी न्यायालय है, या जो कही अदालत है, कोर्ट है, ये सरकारों का जो अधिकार है, चाहे केंद्र सरकार का अधिकार है या राज्य सरकार का अधिकार है, इन अधिकारों की व्याख्या करने का काम न्यायालय करता है या अदालत करता है। ये भी विशेषता ही है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अधिकारों की व्याख्या अदालत करेगा। फिर
मुख्य इतना ही है। हाँ अब बताते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल और आपको बताते हैं कि दो स्तर या तीन स्तर वाली सरकारें जहाँ हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए कुछ जो संघवाद के अंतर्गत कुछ राष्ट्र, अभी हमने ये बताया कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर जब एक राष्ट्र बना लिया जाता है, एक तब होता है संघवाद, और या तो तब होगा कि जब दो या अधिक राज्यों को मिला लिया जाए। अब राष्ट्र की बात यदि की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे संघ हैं जो दो या अधिक राष्ट्रों को मिला के, देशों को मिला के संघ बने। और यदि राज्यों की बात की जाए कि दो या अधिक राज्यों को मिला के जिन्हें बनाया गया है, उसमें आपका भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है, ये ऐसे देश हैं जो दो या अधिक राज्यों को मिला के संघ बनाए गए हैं, और ये ऐसे देश हैं जो दो या अधिक देशों को मिला के संघ बनाए गए हैं। फिर आगे देखते हैं, हेडिंग आपका है भारत में संघीय व्यवस्था। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर चल रहा है, भारत की बात यहाँ हो रही है, भारत में संघ की बात हो रही है, इस पाठ से आपका लघु और विस्तार बनता है, इससे पहले वाले पाठ से आपका विकल्प बनेगा या अति लघु बनेगा, लेकिन इस पाठ से आपका लघु और विस्तार बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझिए, दिमाग में माइंड में फीड कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आप बना सकते हैं। हेडिंग है भारत में संघीय व्यवस्था। कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा भारत में कैसे संघीय व्यवस्था है। आज की डेट में देखिए 28 राज्य के और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें मिला के संघ बनाया गया है। आपको पता है 1947 में देश आजाद तो हुआ, विभाजन भी हुआ इसका, और उस टाइम अभी अभी हम रिपीट पुनः कर रहे हैं कि तमाम छोटी बड़ी देशी रियासतें थीं, अनेक प्रांत थे, और इन प्रांतों को जोड़ा गया और जोड़ के संघ बनाया गया, जैसा अभी पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पे दो स्तरीय शासन व्यवस्था विद्यमान थी, केंद्र और राज्य। अभी तीन स्तर हो गया है, उसका भी आगे की हेडिंग में जिक्र कर रहे हैं। तो अभी यहीं नहीं बता दो, व्याख्या बात करेंगे। और एक है स्थानीय निकाय, वही ग्राम पंचायत और नगर पालिका वगैरह, तो तीन पार्ट में है, इसकी व्याख्या भी बाद में की जाएगी। तो भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, वो बांट दिए गए हैं केंद्र और राज्यों में, यानी कि केंद्र राज्य सूची लिख रहे हैं, सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची है इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाएगा, और इस
इसमें इस टाइप के विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा है। रक्षा की अगर कोई जिम्मेदारी आई तो केंद्र उसके लिए कानून बनाएगा। विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा, पैसा कितना छपेगा, क्या किया जाएगा, नोटबंदी होगा, मुद्रा बदली जाएगी, वो केंद्र बताएगा, कानून बनाएगा। विदेश में किसी देश के साथ हमको संबंध कैसे रखना है उसके लिए कानून केंद्र बनाएगा। रक्षा में हमको क्या खरीदना है, राफेल खरीदना है कि यह 400 तोपे खरीदनी है, ये केंद्र बताएगा। बैंकिंग में कौन सा नियम चलाया जाए, किस प्रकार से ऋण लेने देने की व्यवस्था की जाए, केंद्र बताएगा, इसके लिए कानून। संचार, कौन सी कंपनी आएगी इंडिया में अपने नेटवर्क लगाएगी, मोबाइल कंपनी या फिर अदर दूसरे प्रकार के जो संचार है, चाहे पत्र ही हो, डाक विभाग की ना हो, एक जगह से दूसरी जगह अपने विचारों का आदान प्रदान करना पत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये सब क्या है, संचार, ये सब केंद्र बनाएंगे। राज्य, ध्यान दीजिए, इस पूरा देश ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी पूरे देश में समान रूप से आवश्यकता होती है, पूरे देश में समान रूप से उस कानून को लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से चाहे रक्षा है, विदेश मामले है, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब क्या है, पूरे देश के लिए एक समान रूप से आवश्यक होता है। वहीं राज्य की यदि बात करें तो हर राज्य में अपना अलग अलग मसला होता है। अरुणाचल में चले जाइए, सब पहाड़ी एरिया है, जंगल है, वहाँ के लिए कानून वहाँ की प्रदेश सरकार अच्छे से बना सकती है, उसकी अधिक जवाबदेही वहाँ होगी। या राजस्थान में चले जाइए, सूखाग्रस्त इलाका है। उत्तर प्रदेश में आइए, मैदानी इलाका है, यहाँ दूसरे टाइप से राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो इसलिए संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा, राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जिसमें वे अपने राज्य की सुविधा अनुसार कानून बना सकती हैं। इसमें क्या है, पुलिस है, वाणिज्य है, व्यापार है, और क्या है बच्चों, कृषि सिंचाई है, कृषि है, सिंचाई, खेती में क्या नियम अपनाया जाएगा, सिंचाई की क्या व्यवस्था की जाएगी, प्रदेश सरकारें अलग अलग नियम बनाएंगी, पुलिस कैसे रहेगी, कितना भर्ती करना है, क्या करना है, वाणिज्य व्यापार आपस में कितना करना है, ये राज्य बनाएंगी, इनके लिए केंद्र नहीं आएगा कानून बनाने के लिए। और कुछ ऐसे सूची होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का काम, सॉरी, उसको समवर्ती सूची में डाला गया है, और इस सूची में जो भी विषय आएंगे इन पे कानून ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ऐसे कौन से विषय हैं उनको बता देते हैं, शिक्षा है, मजदूर है, विवाह है, मजदूर संघ होगा बच्चों, विवाह हो गया, और क्या वन है, वन है, उत्तराधिकार संबंधी नियम, ये सभी समवर्ती सूची में है। और भी विषय हैं, विशेष तमाम है, लेकिन मेन आपको जो पढ़ना है वो बताया जा रहा है। तो इन पे कानून दोनों लोग बनाएंगे। चलो अब एक प्रश्न उठता है कि ये भी कानून बनाया शिक्षा पे, ये भी बनाया, अब किसका माना जाए। तो यदि दोनों कानून बनाते हैं, दोनों के कानूनों में आपस में टकराव हो रहा है, तो जो लागू होगा, जो माना जाएगा, वो केंद्र का कानून माना जाएगा। यानी कि जब केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस बात को समझते रहिए। तो क्या देखिए आप, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो गया, यानी कि संघवाद यही कहता है कि
कई इकाइयां मिलकर एक संघ बनाएगी और उस संघ इकाइयों को शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर दिया जाएगा। एक चीज और देखिए वर्णित है बुक में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये किस सूची में जाएगा, केंद्र में जाएगा, राज्य में जाएगा, समवर्ती में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका संविधान लिखा गया तो ये चीज था ही नहीं, ये चीज नहीं था, ये बाद में आया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब क्या है, ये संविधान में लिखे जाने के कई बहुत दिनों बाद आए, तो इसको किस सूची में किया जाएगा। तो इसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि जो भी विषय बचता है उस पे कानून केंद्र बनाएगा, यानी कि कंप्यूटर यदि विकल्प में दिया जाता है तो केंद्र सूची का विषय है। शक्तियों का बंटवारा हो गया, अब देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। हेडिंग है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जाहिर सी बात है, यदि शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा या राज्यों को शक्तियां नहीं दी जाएंगी तो व्यवस्था चल चुकी, तो नहीं चलेगा। भाई आपके गांव में, आपके घरों में कोई चीज आता है बाजार से, तो अगर सभी सदस्यों के बीच बंटवारा नहीं किया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, तो झगड़ा है। तो इसी तरह से देश भी चलता है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत एक हेडिंग में भाषाई राज्य। इस शब्द का अर्थ यह है कि भाषा के आधार पर राज्य, क्योंकि देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 1947 से 2017 तक आप देखिए, 1947 से 2017 तक देखिए, एक इंडिया था, इंडिया था नहीं है, ये इंडिया जो आपका उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, लगभग ये पूरा एक था, बिहार झारखंड एक था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, या यूं कहिए ये संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश, यानी कि बड़े बड़े प्रांत थे। आज तक आते आते 2017 तक आते आते देश के राज्यों का विखंडन हुआ, देश छोटे के राज्य जो है टुकड़े किए गए उसके। क्यों? क्योंकि कई आधार थे। एक तो ये था कि इन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए जिससे एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो एक राज्य में आ जाए। किंतु सरकार ने ये सोचा यदि ऐसा होता है तो इससे देश की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचेगा, देश की एकता इससे बाधित होगी। लेकिन बांटा भी गया और उसका नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रिजल्ट निकला। शासन प्रशासन अच्छे से चलने लगा, लोगों में एकता की भावना का भी विकास हुआ। बता दें आपको कुछ राज्यों को भौगोलिक आधार पर बांटा गया, जैसे उत्तराखंड है, पर्वतीय एरिया है। सांस्कृतिक आधार पर भी बांटा गया, भाषाई आधार पर भी बांटा गया। उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, झारखंड अलग हुआ बिहार से, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये भौगोलिक विभिन्नताओं के नाते इनको प्रशासन की दृष्टि से अलग कर दिया गया। और कुछ राज्य ऐसे भी थे, जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है और लक्षद्वीप है, तो ये ऐसे पार्ट थे ना तो राज्य ही वहाँ बनाया जा सकता है और राज्य नहीं बनाया जा सकता, भौगोलिक विषमताएं हैं कुछ। तो इसलिए इन्हें क्या किया गया कि
केंद्र शासित प्रदेश कह दिया गया है, कि केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, इनका शासन प्रशासन केंद्र करेगा। इतनी बात हो गई भाषा के आधार पर राज्य भी बन गए। और अभी जल्दी जल्दी जो भाषा के आधार पर एक राज्य बना है वो क्या है, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को जोड़ के तेलंगाना बन गया। ये तो भाषाई राज्य है, आपको इसमें केवल इतना जानना है कि भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया, बस इतना समझना है। फिर भाषा नीति, हेडिंग है भाषा नीति, आपका देश जब आजाद हुआ तो ये मांग उठने लगी कि राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। 40% लोग जो थे वो हिंदी बोलते थे, बाकी अन्य भाषा बोलने वाले थे। तो यहाँ भी एक विवाद खड़ा हुआ कि जो उत्तर भारतीय लोग थे ये कह रहे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, दक्षिण वाले तमिलनाडु आदि वाले कहने लगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, नहीं तो हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम लोग इंडिया में रहेंगे ही नहीं। 1965 संविधान में ये लिखा गया कि 1965 के बाद से राजकीय कामकाज में, यानी कि ऑफिशियल जो वर्क होगा, जो राजकीय कामकाज होगा वो अंग्रेजी में नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों के समय से अंग्रेजी में ही कामकाज होता था, ये चीज संविधान में बताया गया था। किंतु तमिलनाडु के साथ कुछ और राज्यों ने विरोध शुरू किया, क्योंकि वहाँ हिंदी बोला नहीं जाता, तो इन्होंने कहा कि भाई हिंदी को अवश्य बनाइए, जो बना रहे हैं आप हिंदी में कामकाज अवश्य करिए, लेकिन अंग्रेजी को बना रहने दीजिए, क्योंकि जो साउथ इंडिया है यहाँ के लोग अंग्रेजी को ज़्यादा सहजता से पढ़ लिख और बोल पाते हैं। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, बल्कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया, भारत की राजभाषा। आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, आपकी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा है वो है हिंदी। इसके साथ संविधान में 21 और भाषाओं अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया गया, 21 अन्य और एक हिंदी, 22 राजभाषाओं को या 22 भाषाओं को अनुसूचित यानी कि संविधान द्वारा लिखित उल्लिखित भाषा का दर्जा दे दिया गया, कि सब खुश रहे, सभी भाषाई लोग खुश रहे। ये भाषा की नीति थी भारत की, कि संविधान में वर्णित था कि 1965 के बाद से हिंदी का प्रयोग होगा, अंग्रेजी नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु के साथ कुछ अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया, और आज तक इसका रिजल्ट है कि आज तक अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, और अन्य भाषियों को भी संतुलित करने के लिए, खुश रखने के लिए 21 अदर भाषाओं को अनुसूचित का दर्जा दे दिया गया, इसमें संविधान में आगे आ जाते हैं। आगे हेडिंग है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ध्यान दीजिए, यदि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो, तालमेल अच्छा रहता है, अच्छे से शासन प्रशासन चलाते हैं, लेकिन केंद्र में कोई दूसरी सरकार हो, राज्य में कोई दूसरी सरकार हो, तो केंद्र वाले सरकार यही चाहता है कि राज्यों के कामकाज में कहीं ना कहीं से कुछ तो बाधा पहुंचाया जाए, जिससे जनता की नज़र में वो राज्य वाली पार्टी उतर जाए, जनता की नज़र में गिर जाए, और हम वहाँ अपना प्रचार प्रसार करके हमारी सरकार बन जाए। तो कुछ इसी तरह से राज्यों और केंद्रों का संबंध रहता है। देश की आज़ादी के बाद पता है एक ही पार्टी राज्य करती आई, शासन प्रशासन करती आई, और वो कांग्रेस पार्टी थी,
जिसने काफी देश का नुकसान किया। लेकिन 1990 के बाद कुछ विभिन्न क्षेत्रीय दलों का भी उदय होता है, अलग अलग राज्यों में कुछ सीटें ये जीतती हैं, और जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत का मतलब जब किसी एक पार्टी को या किसी एक पार्टी के ज़्यादा लोग ज़्यादा उम्मीदवार नहीं जीतते हैं, तो ये कई पार्टियां मिल के सरकार बना लेती हैं, और जब कई पार्टियां मिल के सरकार बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार, यानी कि मिलीजुली सरकार इसको कहते हैं। तो क्या होगा भाई, कांग्रेस के साथ मान लीजिए सपा या बसपा कोई मिला, तो भले कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी रहेगी तो वो छोटी पार्टियों का भी सम्मान करेगी। तो इससे क्या हुआ कि छोटी पार्टियों को भी उठने का मौका मिला। और क्या है? और अदर जो हाँ छोटी पार्टियां, उनकी जो स्वायत्तता है, उनका जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका सम्मान करना इन बड़ी पार्टियों का काम हो गया। क्योंकि यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो वो छोटी पार्टी आपको सहयोग नहीं करेगी, जब सहयोग नहीं करेगी तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध था वो मधुर होता चला गया। अब जो हम कहे थे तीन चीज दिखाए थे, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, उसका जो तीसरा पार्ट था उसी की अब चर्चा होगी। हेडिंग है भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, इसके बारे में जानिए। जब केंद्र और राज्यों से क्या काम है, केंद्र और राज्यों से शक्तियां लेकर इन शक्तियों को दे दिया जाता है स्थानीय सरकारों, जब केंद्र राज्यों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है तो इसी चीज को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय निकाय किसे कहते हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका है, ये सब क्या है, स्थानीय निकाय है। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी गांव की जो समस्या है, किसी क्षेत्र विशेष की समस्या है, अगर वहीं की सरकार रहेगी छोटी सरकार तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस समस्या को सुलझा सकती है, उन समस्याओं को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ सकती है। और एक चीज और हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी का भी मौका मिल जाएगा, यानी कि शासन सत्ता में भागीदारी हो गया, सत्ता का बंटवारा हो गया, तो इस तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए, महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किए गए हैं, महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में एक तिहाई पद आरक्षित किए गए हैं। और फिर क्या है बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। ये तो कुछ प्रमुख विशेषता होगी, और ये लोग अपना कानून अपने झगड़ों को स्वयं ही सुलझा सकते हैं, अपने लिए स्वयं ही नियम बना सकते हैं। तो बस लगभग बस खत्म, ये पार्ट एंड है, ये पार्ट बच्चों संवाद खत्म है। और उम्मीद है कि समझ में आया होगा, पिछले वीडियो में शिकायत मिली कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीम आ रही है, तो आज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम बढ़ाना थकान दिया जाती है। तो ओके, ये वीडियो एंड, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।